dear students of class 11, welcome to you. In this second lecture, we will today discuss the structure of atom. The first topic is Planck's quantum theory. The energy is radiated or absorbed by a body, not continuously but discontinuously, in the form of small packets called quantum. In case of light, it is called photon. उसमें का उत्सर्जन या अवशोषण तभी होता, ये कंटिन्यूसली नहीं होता, डिसकंटिन्यूसली होता, एक पैकेट के फॉर्म में, जिसे हम फोटोन कहते हैं। ये अगर लाइट के लिए है तो इसे हम फोटोन कहते हैं, नहीं तो इसे क्वांटम कहते हैं। E इज इक्वल टू एच म्यू, जहाँ ये एनर्जी है, एच प्लैंक्स कॉन्स्टेंट है, म्यू फ्रिक्वेंसी है। लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, जब हाइड्रोजन मॉलिकल्स के ऊपर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास किया गया तो एच टू मॉलिकल्स डिसोसिएट हुआ, हायर एनर्जी लेवल में गया, और इससे जो रेडिएशन निकला उसे ही हम, जो डिफरेंट फ्रिक्वेंसी के थे, उसे ही हम लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन कहते हैं। ये लगभग 5 सीरीज इसमें से प्राप्त हुए। पहला था लाइमनस सीरीज, जब हायर एनर्जी लेवल से फर्स्ट एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन गिरता है तो जो एनर्जी रेडिएट होता है उसे हम लाइमनस सीरीज कहते हैं। ये यूवी रीजन में होता है। जब हायर से सेकेंड एनर्जी लेवल में आता है तब जो एनर्जी रेडिएट होता है, लाइन निकलता है, उसे हम बेलमर सीरीज कहते हैं। ये जो है ये विजुअल रीजन में होता है। अगर हायर से थर्ड एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन जंप करता है तो पास्टन सीरीज में होता है, ये इंफ्रारेड रीजन में होता है। अगर हायर से फोर्थ एनर्जी लेवल में आता है तो ये ब्रैकेट सीरीज कहलाता है। अगर हाई एनर्जी लेवल से फिफ्थ एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन जंप करता है तो ये आईआर रीजन में होता है, इसे हम फ्यूफेंट सीरीज कहते हैं। ब्रैकेट और फ्यूफेंट ये भी इंफ्रारेड रीजन में होते हैं। नेक्स्ट है बोर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम। इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन डज नॉट रेडिएट एनर्जी इफ इट स्टेज इन वन ऑर्बिट। जब एक ऑर्बिट में यह रहता है तो एनर्जी का रेडिएशन नहीं होता। व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम लोअर टू, जब ये लोअर से हायर में जाता तो एनर्जी अब्जॉर्ब करता है सराउंडिंग से, जब हायर से लोअर में आता तो ये एनर्जी रेडिएट करता है सराउंडिंग को। द एंगुलर मोमेंटम ऑफ ऑर्बिट्स इन विच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स मस्ट बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच बाई टू पाई। इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में रोटेट कर सकता है, मूव कर सकता है, जिसका एंगुलर मोमेंटम एच बाई टू पाई का मल्टीपल हो। The energy of an orbit is closest to the nucleus is lowest. Nucleus से जो सबसे नज़दीक का ऑर्बिट है उसका एनर्जी लोअर होता है, और जो जो वहाँ से हम आगे बढ़ते जाते एनर्जी बढ़ता जाता है। लास्ट इसका पॉइंट है, एज वी गो हायर डिफरेंस इन एनर्जी ऑफ एनर्जी लेवल गोज ऑन डिक्रीजिंग। जो जो हम लोअर से हायर एनर्जी की तरफ बढ़ते हैं, सेल की तरफ बढ़ते हैं, एनर्जी का डिफरेंस घटता जाता है। बोर्स थ्योरी के कुछ ड्रॉबैक्स भी थे। ये मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, एटम के मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स के बारे में कुछ नहीं कहा। ये जीमान इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट के बारे में कुछ नहीं बता पाया। ये मॉलिक्यूल के शेप के बारे में भी नहीं बता पाया, और साथ ही साथ हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल को भी ये नहीं मानता है। नेक्स्ट है आइंस्टीन इक्वेशन इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, जहाँ ई एनर्जी है, एम मास है, और सी वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल्स या लाइट है। डी ब्रॉगली इक्वेशन लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी इज इक्वल टू एच बाई एम भी, जहाँ लैम्डा वेवलेंथ है, एच प्लैंक्स कॉन्स्टेंट है, 6.626 × 10⁻⁴ जी एस। हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर और इक्वल टू एच बाई 4 पाई, जहाँ डेल्टा एक्स अनसर्टेनिटी इन पोजिशन, डेल्टा पी इज द अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। अर्थात किसी भी माइन्यूट पार्टिकल का अगर वो मूव कर रहा है तो उसकी मोमेंटम और पोजिशन एक्यूरेटली एट द सेम टाइम हम नहीं बता सकते। क्वांटम नंबर गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट एनर्जी लेवल। से क्वांटम नंबर गिव्स अस द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट इलेक्ट्रॉन, दैट इज लोकेशन, एनर्जी, स्पिन, ईटीसी। ये चार तरह के हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इट गिव्स अस इन्फॉर्मेशन अबाउट द सेल, ये सेल के बारे में देता है, जैसे इसकी वैल्यू एन इज इक्वल टू 1, 2, 3 अप टू एन तक होता है, एन इज इक्वल टू 1 है तो के, एन इज इक्वल टू 2 है तो एल, एन इज इक्वल टू 3 है तो एम, एंड सो ऑन। टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स ये एन स्क्वायर पर डिपेंड करता है। दूसरा है एजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसे हम एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी कहते हैं। इससे हम स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी टोटल वैल्यू 0 to n-1 है। अगर L की वैल्यू 0 है तो ये S को, 1 है तो P को, 2 है तो D को, 3 है तो F को, और इस तरह से ये डिफरेंट सब सेल को रिप्रेजेंट करता है। ये हमें सब सेल के बारे में जानकारी देता है। तीसरा है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये हमें इलेक्ट्रॉन के मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में बताता है। इट गिव्स अस इन्फॉर्मेशन अबाउट सब सब सेल्स, डिटरमाइन मैग्नेटिक ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल्स। म्यू इज इक्वल टू √(n)(n+2bm), ये मैग्नेटिक मोमेंट है, जहाँ म्यू जो है मैग्नेटिक मोमेंट कहलाता है, एन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहलाता है। किसी दिए हुए एल की वैल्यू के लिए इसकी वैल्यू -1 -L to +L via 0 होता है।
क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर जो फोर्थ है, यह हमें बताता है कि इलेक्ट्रॉन के दो ही ओरिएंटेशन हो सकता है क्लॉकवाइज, जिसके लिए इसकी वैल्यू माइनस, जिसके लिए इसकी वैल्यू प्लस हाफ है, और ये अपवर्ड एरो के द्वारा दिखाया जाता है, और दूसरा है माइनस हाफ, ये डाउनवर्ड्स एरो के लिए एंटी क्लॉक इलेक्ट्रॉन स्पिनिंग के लिए लिखा जाता है, ये डाउनवर्ड एरो के द्वारा दिखाया जाता है। और आज के लेक्चर का लास्ट पार्ट है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, नो टू इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन हैव सेम सेट ऑफ फोर क्वांटम नंबर, किसी भी एलिमेंट की एटम की, एक ही एटम के दो इलेक्ट्रॉन का चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकता है, यही पॉली ने कहा। ठीक वैसे ही जैसे दो जुड़वा बच्चे भी होंगे तो उसमें भी कुछ ना कुछ अंतर होता है। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।